सुबह से मकर संक्रांति है तो उसकी तैयारी कर रही थी, तो खिचड़ी मैंने रात को ही सारी तैयारियां करके रख ली थी ज़्यादा से ज़्यादा, कि मुझे सुबह ज़्यादा ना करना पड़े, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं इसलिए सर्दी का समय है, टाइम पता नहीं चलता। तो आंगन में मम्मी का पूजा वाला कमरा है तो उसी में मुझे संकल्प वगैरह कराना था, तो पंडित जी सुबह सुबह नहीं आ पाते हैं तो मैं अपने हाथ से ही संकल्प कर लिया और सारा, तो पहला सामान निकाल के अंशु को दे दिया था, तो पंडित जी घर में दे आए थे। ये देखिए इनके पैर में जो मैंने बताया था, अगर वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, तो ये फ्रैक्चर हुआ है, MRI कराई है, तो ये देखिए इस तरह की बेल्ट दी है बांधने के लिए, तो इनका पैर मुड़ नहीं सकता, तो ये खड़े खड़े कह रहे थे मैं कर लूँगा, तो मैं इसीलिए मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, तो वही संकल्प मैं इनको करा रही थी, तो वही जो दान किया था तो वही हो रहा है। तो आप लोग ने किस तरह से दान किया देखिए इस तरह से। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, तो पिछला अभी कल भी ब्लॉग डाला था, तो उसमें अपनी सारी बातें बताई हैं, अगर आप लोगों ने ब्लॉग ना देखा हो, मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो किस वजह से मैं 2 महीने से दीपावली का मतलब करवा चौथ के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, क्यों नहीं डाला, क्या परेशानी आई, क्या क्या हुआ, तो वो सब मैंने बता दिया है, तो आप लोग ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो मकर संक्रांति है तो दान के लिए पहले मैंने दिखाया था ना, तो दान के लिए सारा सामान खिचड़ी थी और मैंने ऊनी वाले टोपे दान करे थे लेडीज़ जेंट्स दोनों, तो वो है और भाई सब्जियां वगैरह हैं, पैसे हैं, नमक है, देसी घी है, पापड़ है, ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ मतलब बहुत लोगों के यहाँ से दान की जाती हैं कि मेरे यहाँ ऐसे ही करा जाता है, और संकल्प ले लिया जाता है तो तिल के लड्डू हैं, तिल के लड्डू ज़रूर होता है आज के दिन, तो सभी के यहाँ ज़्यादातर होता हो, तो और इसके बाद मेरे यहाँ क्या मतलब मायके में भी बनते हैं, लेकिन मायके मेरे एक दिन पहले बन जाते हैं, जो मूंग की दाल के मंगौड़े बनते हैं तो एक दिन पहले बन जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ उसी दिन बनते हैं, तो बहुत आसानी रहती है अगर आपके यहाँ कुछ ज़्यादा फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो तो एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी रही। और ये मैं अपने कान्हा जी को दिखा रही थी, कितने दिनों बाद आप मेरे कान्हा जी को देख रहे होंगे, तो ये मैंने उन्हीं ड्रेस मैंने मतलब दूसरी पहने थे, लेकिन मैंने आज ये पहना दी न्यू नहीं है। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ, और हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और सुबह से बस वो था ना कि जल्दी जल्दी, तो सर्दी का समय है तो टाइम पता ही नहीं चलता है, और प्रेस के लिए कपड़े हो भी चुके हैं और पड़े भी हैं, तो सब काम करने के बाद नहाया धोया, फिर दान के लिए सारा सामान कल ही रात को लगा के रख दिया था, जैसे खिचड़ी था, टोकनी वाली जो उलन की कैप दान करी है, और खिचड़ी है, मतलब सब्जियां वगैरह काफ़ी कुछ है, तो वो सब दान किया है। और अभी सुबह से तो कोहरा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी इस समय धूप निकल आई तो सारे कपड़े छत पे फैला दिए, क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, कहीं ड्राइंग रूम में फैलाओ, बाथरूम में नीचे मेरी ज़्यादा है जगह, वहाँ रस्सी बंधी वहाँ फैला दो, छत पे फैला, मतलब छत पे तो फैलाने का सवाल ही नहीं, अगर हवा में फैला भी दो तो बंदर हैं, तो इस वजह से नहीं फैला पाती हूँ। तो कल के तसले में कपड़े रखे थे, तो आज मैं अभी धूप निकली तो डाल कर आई हूँ, और आज खिचड़ी बनेगी, तो इस समय तो मैं खिचड़ी बनाने चल रही हूँ, और चाय नाश्ता सबको हो गया, सबका हो गया है, और बच गया है 1:15, चाय नाश्ता करे 10:30 बजे हुआ था, लेकिन देखिए धूप आ रही है तो वैसा हो रहा है, और अभी तो 1:12 है, तो अभी जा रही हूँ चावल निकालें तो खिचड़ी बनाऊँगी, खिचड़ी में वही मटर वगैरह डाल दूँगी, और थोड़े मसाले भी पड़ते हैं मेरे यहाँ, ऐसे ही बनती है मतलब सिंपल खिचड़ी जैसे नहीं बनती, मसाले डाल दो और मटर वगैरह डाल दो, तो थोड़ी सी बनाऊँगी, तो बस खिचड़ी बनाने चल रही हूँ। उसके बाद भगवान के कपड़े भी चेंज किए थे, और पहले के मेरे ब्लॉग भी डले हुए हैं, तो वो मैं सोच रही हूँ अभी देखे नहीं, अगर ये मैं मकर संक्रांति वाला तो मुझे डालना था, उसके बाद मैं पहले वाले एक दो ब्लॉग शायद रखे हैं दीपावली के टाइम के, मैंने देखे ही नहीं, अभी कुछ भी देखा ही नहीं था मैंने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बस वो मैं ब्लॉग डालूँगी, तो प्लीज़ आप लोग प्यार दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मेरे ब्लॉग को, और बस अभी चलती हूँ खिचड़ी बनाने। तो ये चावल मैंने निकाल लिए, और मैं सारी चीज़ें मैं रात को ही कट करके, मैं धनिया वगैरह तो मैं ज़्यादा कट करके रख लेती हूँ कि बार बार तुरंत काटो तो टाइम लगता है, तो मैंने ये कट करके रख लिए, और ये आलू चॉप किए थे, पकौड़ी बनाई थी आज, प्याज तो खाया नहीं जाएगा, खिचड़ी है तो इसलिए मैंने ये चॉप कर लिए थे चॉपर में आलू, तो यही मूँग की दाल में आलू डाल के पकौड़ी बनाई थी, मंगौड़ा समझ लीजिए मंगौड़ा, दही भी बना लिए थे, बहुत ही सॉफ्ट दही बड़े बने हैं, किस तरह से बनाए मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन मैं किसी दिन शेयर करूँगी। मैंने मटर भी कल छील के रख दी थी, तो सब तैयारी है, बस बनाना बनाना है, तो आलू चॉप करके थोड़ा डाल दूँगी, धनिया तो है ही है, कटी हुई मटर है, तो बस थोड़ा बहुत डालकर चावल की खिचड़ी बना लूँगी, दही बड़े चटनी बड़े दोनों।
बस इसमें मैं नमक डाल दूंगी और ऑयल डाल दिया था, हींगीरा डाल दिया था और उसके बाद टमाटर का पेस्ट। मैंने वो सब रात ही को बना कर रख लिया था, इसलिए मुझे मालूम था आज ज़्यादा काम होगा, तो मैंने सारी मटर भी छील ली थी, आलू चॉप करके रात को पानी में धोकर और पानी में रख दिए थे तसले में ढककर, और टमाटर भी चॉप करके रख लिए थे, धनिया भी कट करके रख ली थी, मटर भी छील के हर चीज़ मैंने कर ली थी। अगर आपके यहाँ कोई मतलब ऐसा फंक्शन वगैरह कुछ भी हो तो इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। और ये हरी धनिया थोड़ी सी डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब अगर आप ताज़ी धनिया है इसमें धनिया आ रही सब्जियों में बहुत रही है। और इसके बाद बस मैंने हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सब्जी मसाला पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर मैंने बहुत थोड़ा डाला था, चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है, गरम मसाला डाल दिया था। और बस इसको अच्छी तरीके से सब्जी को भूनना है, भूनने से बहुत ही अच्छा, जब तक ये तेल ना छोड़ दे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको ढककर मैं थोड़ी देर से मतलब एक दो मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको मैं पका लूँगी मतलब अच्छी तरीके से भून लूँगी। और इसके बाद जो चावल दाल धोकर रखे थे अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर लिए थे, इसको भी मैं एक दो मिनट के लिए ढककर इसको भी पकाऊंगी और इसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो मेरे यहाँ थोड़ी सी ढीली खाई जाती है, बहुत लोग के यहाँ बिल्कुल छिटकी खाई जाती है, तो ये खिचड़ी जो है ढीली थोड़ी खाई जाती है और मुझे भी थोड़ी वैसी अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ी ढीली ही रखूँगी। और आप चाहें तो छिटकी रखें तो थोड़ा कम पानी डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें पानी मिला दिया है और बस एक बिस्तर ले लूँगी, बस उसके बाद बंद कर दूँगी। तो बस और उसके बाद मैंने फिर वीडियो नहीं शूट किया, मैं शाम को ही मिलूंगी आपसे। तो चल रही हूँ मंदिर, तो बस मैं मंदिर आ गई थी। ये मंदिर भी आप लोग बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे, तो भोले बाबा का मंदिर है, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। अंशु आया था साथ में, पता नहीं उसने कितना शूट किया, जितना भी किया तो मैंने उसमें डाल दिया, मैंने उससे कहा था तो उसने थोड़ा ही बहुत दिखाया। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और अपने लिए अंशु के लिए चाय नाश्ता करवा दिया है। तो मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन में बातें करने लगी थी, तो अब मैं चाय आरती भी कर लीजिए, भगवान जी की संध्या की आरती भी हो गई है मंदिर से आने, और तैयारी मैंने सारी कर ली थी। तो ये जो आलू बचे थे पकौड़े जो मंगौड़े बनाए थे सुबह, तो आलू बचे हैं, तो अभी चाय पीने के बाद ही खाने की तैयारी कर, दाल की कचौड़ी बनाऊँगी। मेरे यहाँ सुबह तो खिचड़ी बनती, शाम को दाल की कचौड़ी पूड़ी कुछ भी बना लो। तो ये बना रही, देखिए ये दाल उड़द की मैंने पीस के रख दी थी, इसमें सौंफ गरम मसाला मिर्च और जीरा हींग सब मिला हुआ है, और ये मटर छिली, और ये जो आलू बच गए थे मंगौड़े के थोड़े से इसमें डाल दूँगी और काट दूँगी आलू को, और ये टमाटर का पेस्ट चाय बन रही है, अपने लिए बना रही हूँ सब पी रही थी। तो बस मैंने ब्लॉग अभी मैंने बताया था आपको, शायद इसी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि पिछले ब्लॉग मेरे थोड़े से रखे, मुझे पता भी नहीं क्या मैंने शूट किया था क्या नहीं, तो वो मैं इसके बाद डालूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बस चलती हूँ, भगवान के मेरे दर्शन काफ़ी दिनों बाद कर लीजिए आप लोग। ये देखिए सब कपड़े सर्दी में कैसे निकाना जी, गणेश जी ये देखिए बैठे हैं, ये देखिए, और ये लगड़े रस्सी में खरीदे थे दीपावली में, ये देखिए माँ दुर्गा बैठी भगवलक्ष्मी, ये देखिए बालाजी का दरबार, और ये मुझे बहुत अच्छा कैलेंडर लगता है, मैंने इसको नहीं निकाली, ये कैलेंडर मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लाइट बहुत यहाँ कमरे में धीमी धीमी हो रही है, कैलेंडर मैं निकालती नहीं हूँ, पुराना है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पोस्टर ये वाला, भगवान जी का, भोले बाबा पार्वती मैया का। और अभी चाय पी लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, खाने बनाऊँगी मटर आलू टमाटर और दाल की कचौड़ी। तो आज मैं सूखे मतलब गाजर मटर की सब्जी, पहले मैं सोची थी क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा चलो गाजर मटर की सब्जी बना देती हूँ, और गाजर मैंने कट करके रख ली थी और मटर भी, तो मटर तो छिली रखी ही थी कल ही से, गाजर मैंने अभी कट करी है, मैंने देखा गाजर है तो दो तीन गाजर थी, और बस ऑयल डाला और उसमें हींगी डाल दिया, हरी मिर्च काट करके डाल दी, और गाजर को मैंने थोड़ा सा भून लिया, फिर उसमें मटर डाल दी और इसको भून लूँगी, और बस इसको अच्छी तरीके से चला कर मसाले, वही हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है,
और चाहे तो आप लाल मिर्च, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी जो सब्जी होती है इसका जब गाजर का फ्लेवर आता है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मिर्च मैंने हरी डाल दी थी। और लाल डालना चाहे तो आप थोड़ी सी डाल दीजिए और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए कि मटर और गाजर गल जाए अच्छी तरह, गाजर भी पानी छोड़ती है, लेकिन मेरी रखी हुई गाजर थी मतलब एक दिन दो दिन की, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और ये अच्छी तरीके से बस गल गई है। मैंने इसको ढककर रख दिया था 5-7 मिनट के लिए रखा था। और इसके बाद जो टमाटर की प्यूरी मैंने बनाकर कल ही रख ली थी, तो ये मैंने मटर आलू की सब्जी बनाई उसमें भी डाला और ये लास्ट बची है, तो एक चम्मच मतलब बड़ी चम्मच के करीब बची है तो मैंने इसमें डाल दी। और डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब गल गई थी तब डाला है मटर और गाजर, तब मैंने डाल दिया और इसको ढककर रख दिया और इसको फिर मैंने चला लिया। और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, अगर आप लोगों ने इस तरह से ना बनाई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और बस लास्ट में नींबू डाल दिया और इसको चलाकर बस बंद कर, गैस को बंद कर दूंगी और हरी धनिया से गार्निश कर दूंगी। बहुत ही जब सब्जी ज़्यादा टेस्ट लगती। और अंशु को पहले ये था कि गाजर मटर की सब्जी मैंने खाऊंगा, अपनी नानी के घर गया था तो नानी ने उसकी बनाई थी, तो कहता गाजर मटर मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर जब उसको ज़बरदस्ती खिलाई गई तो उसको इतनी अच्छी लगी तो मुझसे कई बार बनवा चुका है। और इस तरह से सब्जी एक बार आप लोग ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो और ये बस जो दाल मैंने पीस कर रख ली थी इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, सौंफ डाल दिया था, हींग और जीरा, गरम मसाला थोड़ा डालकर पीस कर रख ली थी और नमक सिर्फ नहीं डाला था। और ये कल ही मैंने रात को पीस कर उड़द की दाल जब दही बड़े बनाए थे तो मैंने पीस कर रख ली थी, तो मैंने इतनी निकाल ली थी कि कचौड़ी के लिए, तो इसमें मसाले सारे डाल दिए थे, दही बड़े वाले नहीं डाले थे, ये लास्ट में थोड़ी सी बचा कर मैंने इसमें मसाले डालकर रख दिए क्योंकि मुझे मसाला भी इसमें नहीं डालना होगा। और आटा डाल दिया, आटे में बस मैंने नमक मिला दिया और सरसों वाला तेल, आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती, तो एक बड़ी चम्मच के करीब डालकर बस मैंने इसको पहले अच्छी तरीके से मार लिया है क्योंकि ये लगे ना कि पानी कितना इसको लगेगा, तो इसके बाद पहले ऐसे ही मार लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा कितना पानी इसको ज़रूरत है। और बस इसको थोड़ा सा पानी मुझे लगा था और इसके बाद मैंने इसको आटा गूंथ कर रख दिया है। और जब सब खाने के लिए अंशु अंशु के पापा आ गए तब मैंने कचौड़ियाँ, और कचौड़ियाँ बस बहुत ही खरी खरी अच्छी लगती हैं, तो बस एक बार इस तरह से। और ये लोग कढ़ाई मैंने गाजर मटर बनाई थी तो उसी में मैंने इसको साफ कर लिया तो उसी में बना ली, क्योंकि सर्दी बहुत है, मैं मान जूँ या कोई और मान जाए, सर्दी तो है सभी के लिए।